Hello everyone, this is Charul and today is the 12th lecture of Physics NCERT class 6 in which we are going to talk about the 6th part of the chapter Wind and Cyclones. But before that, please subscribe to my channel and do hit the like button. So guys, aaj hum log baat karne wale hain specific heat ke bare mein. It is basically the amount of heat energy which is required to increase the temperature of 1 gram of substance by 1 degree. इसका मतलब जितनी हीट एनर्जी हमें 1 ग्राम ऑफ वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री इंक्रीज करने के लिए चाहिए उसे हम लोग बोलेंगे स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, और जितनी हीट एनर्जी हमें 1 ग्राम ऑफ लैंड का टेम्परेचर 1 डिग्री इंक्रीज करने के लिए चाहिए उसे हम लोग बोलेंगे स्पेसिफिक हीट ऑफ लैंड। तो गाइस, हमने ऑब्जर्व किया कि जो स्पेसिफिक हीट ऑफ लैंड है वो बहुत ही कम है एज कम्पेयर टू द वाटर। इसका मतलब लैंड को गर्म करने के लिए हमें कम एनर्जी की ज़रूरत है एज कम्पेयर टू द वाटर। तो गाइस, आपको दो चीज़ें याद रखनी है। पहली चीज़ तो ये है कि स्पेसिफिक हीट क्या होती है। इट इज़ बेसिकली द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी विच इज़ रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री। दूसरी चीज़ आपको ये याद रखनी है कि जो स्पेसिफिक हीट ऑफ लैंड होती है वो बहुत ही कम होती है एज कम्पेयर टू द वाटर। तो गाइस, अभी देखते हैं सी ब्रीज और लैंड ब्रीज के बारे में। तो गाइस, मैंने आपको बताया कि जो स्पेसिफिक हीट ऑफ लैंड होती है वो बहुत ही कम होती है एज कम्पेयर टू द वाटर। तो गाइस, होगा क्या, दिन में जब सन ओवरहेड होगा तो सोलर रेडिएशंस हमारी लैंड पर भी फॉल करेंगी और वाटर बॉडीज पर भी। लेकिन क्योंकि स्पेसिफिक हीट ऑफ लैंड बहुत ही कम है, इसकी वजह से जो लैंड है वो बहुत ही कम सोलर रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करके गर्म हो जाएगी, लेकिन जो वाटर बॉडीज हैं उनका टेम्परेचर कंपेरेटिवली कम रहेगा। तो गाइस, अभी क्या होगा कि जो लैंड है वो गर्म हो चुकी है, जिसकी वजह से उसके ऊपर की हवा भी गर्म हो चुकी है। और मैंने आपको बताया था वार्म एयर इज बेसिकली लाइट इन वेट, जिसकी वजह से वो ऊपर की तरफ उठना शुरू करेगी, और क्योंकि एयर पार्टिकल्स को एनर्जी मिल जाएगी इसकी वजह से एयर एक्सपैंड करने लगेगी। तो गाइस, अभी क्या हुआ, लैंड के ऊपर लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो चुका है, लेकिन जो वाटर बॉडीज हैं उनका टेम्परेचर कंपेरेटिवली कम है, जिसकी वजह से जो वहाँ पर हवा है वो भी बेसिकली हैवी है, जिसकी वजह से वो वाटर बॉडी के साथ चिपकी हुई है। तो गाइस, अभी क्या होगा कि जो वाटर बॉडी है उसके ऊपर हाई प्रेशर एरिया क्रिएट हो चुका है, और जो हमारी लैंड है वहाँ पर लो प्रेशर एरिया। और मैंने आपको बताया था कि जो विंड होती है वो बेसिकली मूव करती है फ्रॉम द हाई प्रेशर एरिया टू द लो प्रेशर एरिया। इसका मतलब जो हवा है वो बेसिकली सी से हमारी लैंड की तरफ मूव करना शुरू करेगी, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सी ब्रीज। तो गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दिन में जब सन ओवरहेड है तो हमारी लैंड बहुत जल्दी से सोलर रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करके गर्म हो जाएगी, जिसकी वजह से उसके ऊपर की हवा भी गर्म हो जाएगी, और इसकी वजह से वहाँ पर लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाएगा। लेकिन क्योंकि स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर बहुत ही ज़्यादा है, जिसकी वजह से जो वाटर है वो बहुत ही धीरे धीरे गर्म होता है और उतनी ही धीरे धीरे ठंडा होता है। तो क्या होगा, जो लैंड है वो तो बेसिकली गर्म हो चुकी है थोड़ी सी सोलर रेडिएशंस एब्जॉर्ब कर, लेकिन जो वाटर बॉडीज है उसे बहुत ज़्यादा सोलर रेडिएशंस एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी सो दैट वो गर्म हो जाए। तो अभी क्या हुआ, लैंड पर बन चुका है लो प्रेशर एरिया क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा है, लेकिन जो वाटर बॉडीज हैं वहाँ पर टेम्परेचर कंपेरेटिवली कम है, जिसकी वजह से वहाँ पर हाई प्रेशर एरिया है। और मैंने आपको बताया था कि जो विंड है वो बेसिकली फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू द लो प्रेशर एरिया मूव करेगी। इसका मतलब हवा फ्रॉम द सी टू द लैंड मूव करेगी, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सी ब्रीज। और गाइस, अभी रात को क्या होगा, रात को सन ओवरहेड नहीं है, जिसकी वजह से जो लैंड है वाटर है वो बेसिकली हीट एनर्जी रिलीज करना शुरू करेंगे। तो मैंने आपको बताया कि स्पेसिफिक हीट ऑफ लैंड बहुत ही कम है, जिसकी वजह से क्या होगा, जो हमारी लैंड है वो बहुत ही जल्दी से ठंडी हो जाएगी, लेकिन जो वाटर बॉडीज हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब किया हुआ है, जिसकी वजह से उसे बहुत टाइम लगेगा उसे रिलीज करने में, जिसकी वजह से क्या होगा, जो लैंड है वो रात में बहुत जल्दी से ठंडी हो जाएगी लेकिन वाटर बॉडीज कंपैरेटिवली गर्म होंगी। और गाइस, इसकी वजह से क्या होगा, लैंड पर टेम्परेचर कम है, इसके वजह से वहाँ पर हाई प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाएगा, और जो वाटर बॉडीज हैं वहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा है, जिसकी वजह से वहाँ पर लो प्रेशर एरिया क्रिएट होगा। क्योंकि वाटर बॉडीज अभी गर्म है तो उसके ऊपर की हवा भी गर्म हो जाएगी और वो ऊपर की तरफ उठना शुरू करेगी, जिसकी वजह से लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, जो एयर है वो बेसिकली फ्रॉम द हाई प्रेशर एरिया टू द लो प्रेशर एरिया मूव करना शुरू करेगी, और जो अभी विंड की डायरेक्शन है वो बेसिकली फ्रॉम द लैंड टू द सी है, जिसकी वजह से हम लोग इसे क्या बोलते हैं, लैंड ब्रीज। तो गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऊपर हमने दिखाया हुआ है कि दिन में कैसे सी ब्रीज चलती है और रात में लैंड ब्रीज। तो क्या होगा, दिन में जो विंड है वो बेसिकली फ्रॉम द सी टू द लैंड मूव करेगी,
और जो रात है वहां पर क्या होगा, जो विंड है वो बेसिकली फ्रॉम द लैंड टू द सी मूव करेगी, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, लैंड ब्रीज। तो गाइस आई होप आपको समझ आ गया होगा कि स्पेसिफिक हीट ऑफ लैंड बहुत ही कम होती है, जिसकी वजह से लैंड बहुत जल्दी से गर्म हो जाती है और उतनी ही जल्दी ठंडी हो जाती है, लेकिन जो वाटर बॉडीज़ हैं वो बहुत ही ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करती हैं, जिसकी वजह से उनका टेम्परेचर धीरे धीरे गर्म होता है। और गाइस इसकी वजह से क्या होगा, जब वाटर बॉडीज़ को ठंडा होना है तो उसे उतनी ही ज़्यादा हीट एनर्जी रिलीज़ करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से वाटर बॉडीज़ बहुत धीरे धीरे गर्म होती हैं और उतनी ही धीरे धीरे ठंडी भी होती हैं। तो गाइस अभी बात करते हैं कि विंड की डायरेक्शन क्या होती है ड्यूरिंग समर। तो गाइस ऑब्वियस है कि ड्यूरिंग समर जो टेम्परेचर है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, इसका मतलब हीट एनर्जी बहुत ज़्यादा है। तो अभी क्या होगा गाइस, जो लैंड है वो थोड़ी सी हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके बहुत गर्म हो जाएगी, लेकिन जो हमारी वाटर बॉडीज हैं वो कंपैरेटिवली ठंडी होंगी। तो ऑब्वियस है गाइस, लैंड के ऊपर क्या बन जाएगा, लो प्रेशर एरिया, और जो हमारी ओशियंस हैं, सीज हैं, वाटर बॉडीज हैं, उनके ऊपर बनेगा हाई प्रेशर एरिया। और आपको पता है कि जो विंड है वो हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ मूव करेगी, जिसकी वजह से क्या होगा, जो विंड है वो बेसिकली मूव करेगी फ्रॉम द सी टू द लैंड, जिसकी वजह से क्या होगा, अभी जो हवा है वो बेसिकली वाटर बॉडी से लैंड की तरफ आ रही है, जिसकी वजह से जो हवा है उसमें कुछ मॉइस्चर भी होगा, जिसकी वजह से जो हमारा इंडिया है यहाँ पर बारिश हो जाती है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मॉनसून विंड्स। तो गाइस मैंने आपको क्या बताया कि ड्यूरिंग समर क्या होगा, जो विंड है वो बेसिकली फ्रॉम द सी टू द लैंड मूव करेगी, और क्योंकि हवा समुद्र से हमारी लैंड की तरफ आ रही है इसकी वजह से उसमें पानी होगा, और इसी की वजह से इंडिया में बारिश हो जाती है, और इसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, मॉनसून विंड्स। और गाइस आपको पता है कि मॉनसून इंडिया में कब आता है, ड्यूरिंग जून एंड जुलाई। तो गाइस आप देख सकते हैं कि मॉनसून विंड्स के बहुत पॉजिटिव इफेक्ट्स भी होते हैं और नेगेटिव भी। तो पॉजिटिव इफेक्ट क्या होगा गाइस, पहली चीज़ तो ये है कि अगर हमारी क्रॉप्स को अच्छे से पानी मिल जाएगा तो वो अच्छे से ग्रो हो पाएंगी। आपको पता होगा कि मॉनसून के सीजन में जनरली राइस को उगाया जाता है, क्योंकि राइस को उगाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, लेकिन मॉनसून विंड्स के कारण गाइस ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है, पानी आ जाता है, जिसकी वजह से हमें क्रॉप लैंड्स में ज़्यादा इरिगेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसके बाद गाइस आपको पता है कि जून जुलाई में बहुत गर्मी होती है, लेकिन जैसे ही मॉनसून आता है बारिश शुरू हो जाती है, तो बहुत ही प्लेजेंट सा वेदर बन जाता है। तीसरी चीज़ गाइस आपको पता है कि दो तरह की बेसिकली रिवर्स होती हैं, कुछ होती हैं एवरग्रीन और कुछ होती हैं हमारी सीजनल रिवर्स। तो गाइस जो एवरग्रीन रिवर्स होती हैं उनमें तो हमेशा पानी रहता है, लेकिन जो सीजनल रिवर्स होती हैं वो बेसिकली सूख जाती हैं जब उन्हें पानी नहीं मिलता, लेकिन जैसे ही मॉनसून आता है बारिश होती है तो इनमें पानी भरना शुरू हो जाता है। इसका मतलब जो हमारी सीजनल रिवर्स हैं इनमें पानी भर जाता है ड्यू टू द मॉनसून। उसके बाद गाइस बात करते हैं कि नेगेटिव इफेक्ट्स क्या होते हैं। तो गाइस होता क्या है कि जब बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है तो जो भी आसपास की वाटर बॉडीज होती हैं, सीज, ओशियंस, लेक्स, रिवर्स, उनमें पानी की जो क्वांटिटी है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से पानी बाहर निकलना शुरू हो जाता है, और इसकी वजह से जो आसपास के एरियाज है वहाँ पर फ्लड आ जाता है। और अभी फ्लड्स की वजह से क्या होगा, जो भी वहाँ पर क्रॉप्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। अगर पानी की स्पीड बहुत ज़्यादा है तो इसकी वजह से घर भी टूट सकते हैं, लाइफ और प्रॉपर्टी का लॉस हो जाता है। और इसकी वजह से गाइस क्या होगा, जो वाटर है वो भी बाहर आ चुका है, जिसकी वजह से वो बहुत ही गंदा हो जाएगा, कॉन्टेमिनेट हो जाएगा, और इसकी वजह से जितनी भी वाटर बॉर्न डिजीज होती हैं जैसे कि डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, कॉलरा, ये सब भी फैल जाता है। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं डायरेक्शन ऑफ द विंड ड्यूरिंग समर। तो कैसे जो हवा है वो बेसिकली फ्रॉम द सी टू द लैंड मूव कर रही है, क्योंकि लैंड का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से वहाँ पर लो प्रेशर एरिया है, लेकिन वाटर बॉडीज का टेम्परेचर कंपेरेटिवली कम है जिसकी वजह से वहाँ पर हाई प्रेशर एरिया है, और इसी की वजह से जो हवा है वो बेसिकली फ्रॉम द सी टू द लैंड मूव करने लगेगी, और उसमें पानी भी होगा क्योंकि वो बेसिकली वाटर बॉडी से मूव कर रही है। इसीलिए गाइस इसे हम लोग क्या बोलते हैं, मॉनसून विंड्स। और उसके बाद हमने देखा कि मॉनसून का क्या क्या फायदा होता है। तो गाइस अभी बात करते हैं कि विंटर में विंड की डायरेक्शन क्या होने वाली है। तो गाइस विंड में क्या होगा, बेसिकली विंटर में जो टेम्परेचर है वो कंपेरेटिवली कम होता है, जिसकी वजह से जो लैंड है, वाटर बॉडीज हैं, वो हीट रिलीज करना शुरू करेंगी, लेकिन क्योंकि स्पेसिफिक हीट ऑफ लैंड बहुत ही कम होती है, इसका मतलब जो लैंड है उसने बहुत ही कम गर्मी को एब्जॉर्ब करके टेम्परेचर इंक्रीज कर लिया होगा, और जब सर्दियों में टेम्परेचर कम हो जाता है तो लैंड बहुत जल्दी से हीट रिलीज करके ठंडी हो जाएगी, लेकिन वाटर बॉडीज ने बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब किया हुआ है, जिसकी वजह से वो धीरे धीरे उसे रिलीज करके धीरे धीरे ठंडी होने वाली है। और गाइस इसकी वजह से क्या होगा, जो लैंड है वहां पर क्या बन जाएगा,
वहाँ पर बन जाएगा बेसिकली हाई प्रेशर एरिया, क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर कम है, लेकिन वाटर बॉडीज का टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पर लो प्रेशर एरिया क्रिएट होगा। क्योंकि गाइस अगर जो वाटर बॉडीज है वहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा है तो वहाँ की हवा भी गर्म हो जाएगी, जिसकी वजह से वो ऊपर की तरफ उठना शुरू करेगी और वहाँ पर लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाएगा। तो गाइस अभी क्या होगा, विंटर में क्या होगा कि जो हवा है वो बेसिकली फ्रॉम द लैंड टू द सी मूव करना शुरू करेगी, और अभी लैंड पर तो पानी नहीं है, इसका मतलब जो भी विंड ड्यूरिंग विंटर ब्लो करने वाली है उसमें बिल्कुल भी पानी नहीं होता, उसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं होता। लेकिन जो भी हवा बेसिकली गर्मियों में ब्लो करती है उसमें बहुत ही पानी होता है, क्योंकि वो वाटर बॉडीज से लैंड की तरफ मूव करती है और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मानसून विंड्स। सो गाइस मेन चीज़ आपको ये याद रखनी है कि जो विंड होती है वो बेसिकली फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू द लो प्रेशर एरिया मूव करती है। स्पेसिफिक हीट ऑफ लैंड बहुत ही कम होती है एज कम्पेयर टू द वाटर। उसके बाद आपको क्या याद रखना है कि ड्यूरिंग समर जो विंड होती है वो बेसिकली फ्रॉम द सी टू द लैंड मूव करती है, जिसकी वजह से उसमें मॉइस्चर होता है और इसी की वजह से बारिश भी हो जाती है। लेकिन ड्यूरिंग विंटर जो विंड होती है वो बेसिकली फ्रॉम द लैंड टू द सी मूव करती है, जिसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं होता। सो गाइज आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। इफ़ यू एंजॉयड द वीडियो देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।